की रक्षा कर रहे तमाम हमारे परिवार के बच्चे शहीद हो रहे हैं और तमाम बच्चे शहीद चाहते थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो दुश्मन अगर एक आदमी के मारेगा तो हम दस मारेंगे, आज हमारे दस मारे जा रहे हैं, ये भी नहीं ये स्थिति है चुनाव की। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम किया करते हैं तो आएंगे आपके भी धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे झूठ पार्टी कोई है और कोई झूठ पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। ये लोग झूठ बोल करके सत्ता लेने का काम कर रहे, फिर आएंगे आपके भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन क्या सावधान होने की भी जरूरत है? आपको सावधान करने के लिए सम्मेलन बनाया गया है कि आप सवाल करिए कि बताओ ढाई साल में क्या किया आपने? महंगाई घटी क्या? मंदिरों मंदिर मस्जिद का समस्या का समाधान हुआ क्या? काला धन वापस आया क्या? सीमाओं की रक्षा आपने कर पाए? क्यों धोखा देने के लिए चाहते हो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बना दो? आएंगे लोग झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले। हमारे माननीय मंत्री जी इसीलिए तमाम सम्मेलन बुलाए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी के पास जितने कार्यकर्ताओं की फौज है, समाजवादी पार्टी के पास जितने नेताओं की फौज है, उतना किसी भी पार्टी के पास नहीं, किसी भी पार्टी के नाम। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर रखता है कि मुंहतोड़ जवाब देने, लेकिन आपको चट्टी और चौराहों पर दुकानों पर बैठ करके सवाल भी पूछना पड़ेगा भारतीय। और ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी केवल समाज को बांटने का काम करती है, धर्म और नफरत की राजनीति करती है धर्म के नाम पर, लेकिन भारतीय जनता लेकिन समाजवादी पार्टी धर्म और जात को जोड़ने का काम करती है। समाजवादी लोग आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी योजना चला रहे हैं तमाम योजनाओं के बारे में भी माननीय मंत्री जी सरकार के मंत्री है, मुख्यमंत्री जी के दाहिने हाथ है, आपको बताने का भी काम करेंगे। आप बताइए कि कोई भी योजना या जो धर्म के नाम पर आपकी चल रही है, किसान दुर्घटना में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में किसान हमारा बीमा नहीं करा पाता था, हमारा बीमा नहीं करा पाता था, लेकिन आज सारे किसान जिसके नाम से अगर एक डिसमिल भी जमीन है उसका बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, उसकी प्रीमियम कौन से भरता है? हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी भरते हैं, किसी हम समझते हैं तहसील में कम से कम 200 लोगों को किसान बीमा दुर्घटना बीमा मिला होगा, जो को किसान अगर किसान मर जाता था दुर्घटना में उसकी बीवी और बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं मिलता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके साथ माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ के मंत्री है, इन लोगों ने 5-5 लाख रुपया देने का, हम समझते हैं जब महिलाओं का सेल छोटी है 125 लोगों को 5-5 लाख रुपया मिल चुका है तो सारे मिलकर उसको 200 लोगों को मिल चुका होगा। ये स्थिति है किसान दुर्घटना बीमा ये तो मैं कहना चाहता हूँ आज एम्बुलेंस में हमारी जात पूर्ति है, राकेश मौर्या राजनीति से आए हुए है, क्या मंत्री जी की ससुराल है हमारे यहाँ वहां से हम आए हैं, लेकिन मेरे परिवार के साथ अगर कुछ हो जाए, अगर हमारे घर के बच्चे को हो जाए तो राकेश मौर्या पहले नहीं पहुंचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की एम्बुलेंस इलाज कराए। ये सरकार है किसी के पास कोई योजना? तमाम योजनाओं है आप जानते भी है, उपलब्धियां भी आई है, आप देख के पढ़ लीजिए। और जहां तक प्रशिक्षण शिविर है आप मतदाता सूची का जो असली हथियार है 1 जनवरी 2017 को जिन बच्चों की आय जो आने वाला 2017 है 18 साल हो रही है उनको जरूर अपने परिवार के मतलब अपने गांव और परिवार के और अपनी पार्टी के जो आपके समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके मत को बढ़ाने का भी जरूर आप काम करिए, क्योंकि वही लड़ाई का अगर सागर से आप 20,000 हम समझते हैं कि 400 के आसपास यहाँ वोट होगा, अगर हर बूथ पर आप 50 वोट भी करा देंगे तो 20,000 आप वोट बने, ये भी बहुत फायदा होगा। और जिनके पास पहचान पत्र न हो उसको भी आप बनवाने का काम करें, आने वाले चुनाव में सब हथियार होता है, जिस सेना के पास हथियार नहीं अच्छे होंगे जिसके पास वोट नहीं बना होगा तो वोटों से वापस लौटना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप क्योंकि आप पदाधिकारी हो तो नेता के विश्वास में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के उनका विश्वास है, समय बहुत कम है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं पुनः हूँ सभी सम्मानित नेतागण का और आए
आए हुए जो समाजवादी पार्टी के आप सेक्टर के प्रभारी और दो के प्रभारी सदस्य है, सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये बात समाप्त करता हूँ और मेरा जरूर आपसे सहकर्म दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2017 में माननीय नरेंद्र यादव जी को भारी वोटों से जीता दीजिएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। इन्हीं चंद्रबाबू के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी।